एटा के नन्नू मल चौराहे पर बीते दो महीने से पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है। इसके चलते लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। कई बार यहां के निवासियों ने शिकायत की लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आइए जानते हैं यहां के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। ये बताइए कि जो है क्या दिक्कत आ रही है? ये कम से कम 6 महीने से गड्ढे पड़े हुए हैं रोड पर। हाँ। और कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ये पानी रिसाव होता है, इससे क्या दिक्कत है? ये पूरे दिन जाम रहता है सड़क पर। हाँ। और निकलने में दिक्कत होती है। दो एक बार ट्रक पलट गए थे यहाँ पर, शीशे भी फूट जाते हैं, पत्थर दुकानों में आके गिरते हैं। ये बताइए कि जो है जो पानी की समस्या है, इससे क्या दिक्कत आ रही है? इसमें ये पानी निकलता है इनमें से, और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। और इसको हम पीने का पानी जो है मिल्टन वाटर मंगाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितनी दिक्कत है इस गंदे पानी से लोगों को? सर, जो प्योर सप्लाई पानी की जाती है वो लीक होके ऊपर आती है, इससे गंदे पानी का संपर्क होके फिर वो शुद्ध पानी में चला जाता है, जिससे पीने वाले को हानिकारक पानी मिलता है, इसलिए पेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग कब तक ऐसी कभी शिकायत की गई है? सर, इसकी 2 बार नगर पालिका में कंप्लेंट की जा चुकी है, पर नगर पालिका से कोई ध्यान नहीं दिया गया अब तक। और इस गड्ढे से एक सबसे बड़ी समस्या जा रही है कि आज रोज के लिए एक बड़ी आशंका रहती है, कोई घरों में गंदा पानी आ रहा है। जी सर, सीवर लाइन से जो पानी बाहर आता है उसी क्षेत्र के माध्यम से, वो जब टंकी बंद होती है तो अंदर वापस चला जाता है, वो पूरी सीवर लाइन में घुल जाता है, वो पानी प्रदूषित हो जाता है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। जैसा कि लोगों का कहना है कि 2 महीने के शिकायत के बाद भी यहाँ पर पानी की समस्या, जो टूटी हुई पाइपलाइन है उसको दूर नहीं किया जा सका है। नगर पालिका की लापरवाही साफ दिखाई पड़ती है। तारीख दर तारीख भटकने के बाद भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। वीरेंद्र पांडे, ETV भारत, एटा।